को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश नवनाथ और फिर से नवनाथ सबसे पहले नवग्रह हुए फिर नवनारायण हुए फिर नवनाथ हुए और फिर से नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ पहले ही मैंने आप लोगों को कथा बताया था कि जब भील रूप में माँ भगवती देवी पार्वती और महादेव स्वयं आए थे महाभारत काल में तो उन्होंने भीलों को उनकी भाषा में मंत्र जपने के लिए एक वरदान दिया था जिसको साबर मंत्र बोला गया बहुत सारे साबर मंत्र महादेव ने खुद दिए ऐसे साबर मंत्रों के अंत में हम ईश्वरवाचा बोलते हैं तो जो ईश्वरवाचा मंत्र होता है वो ईश्वर द्वारा दिया गया मंत्र होता है और वो सिद्ध मंत्र होता है उसके बाद नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ और इनका आना इसलिए हुआ ताकि साबर मंत्र को और ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा साबर मंत्र लोगों के बीच में आए तो भगवान दत्त ने नवनाथों को दीक्षा दी भगवान दत्त यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप और जिन लोगों ने दीक्षा लिया उसमें महादेव थे माँ भगवती देवी पार्वती थी और सारे देवी देवता देवता थे माँ भगवती देवी पार्वती ने पावपंथ का स्थापना किया और पावपंथ में ही जलेंदर गुरु आए गुरु जलेंद्र नाथ जी जो कि दत्त भगवान के दो मुख्य चेलों में एक मछेंद्र नाथ जी रहे और दूसरे रहे गुरु जलेंद्र नाथ जी मचेंद्रनाथ जी के जो मुख्य शिष्य रहे वो थे गुरु गोरखनाथ और जो जैलेन्द्र जी के महायोगी जैलेन्द्र जी के जो मुख्य शिष्य थे वो थे कानिफ नाथ जी तो कानिफ नाथ जी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि कानिफ नाथ जी के बारे में बहुत जगह लिखा नहीं गया और बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ लेकिन तंत्र के मामले में कानिफ जी का कोई सानी नहीं था मैंने टाइटल में कनीपा लिखा है कनीपा जी जी पाव मतलब थे इसलिए भी बोला जाता है मूल रूप से बिहार से थे अगर मैं बिहार बोलता हूं तो इसका यह समझ लीजिए मतलब कि उस समय बिहार मतलब बिहार झारखंड और बंगाल मिश्रित बिहार हुआ करता था तो इनका जन्म बिहार में हुआ था और पूरे देश में भ्रमण किया था इनका द्वंद हनुमान जी से लेकर के इनका मिलन गोरखनाथ जी से भी हुआ यह नवनारायण जो हुए थे सबसे पहले उसमें प्रबुद्ध नारायण के अवतार माने जाते हैं और प्रबुद्ध नारायण के बाद जो नवनाथ हुए थे उसमें गजबेली गज नाथ उनके अवतार माने जाते हैं कानिफनाथ जी तो जो भागवत महापुराण है उसमें भी वृषभ देव का वर्णन है जो कि उनके ही पुत्र थे प्रबुद्ध नारायण आज हम आपको कानिफनाथ साधना देंगे हमारा जो पंथ है हम जिस गुरु परिवार से आते हैं उसमें हम लोग नवनाथों में कानिफनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं और कानिफ जी की ही साधना करते हैं मैंने आप लोगों को बोला था कि पचास हजार सब्सक्राइबर के बाद मैं कानिफनाथ जी की आप लोगों को साधना बताऊंगा तो वो दिन अब आ गया है कानिफ नाथ जी की साधना में बहुत ही मतलब बहुत टेक्निकल साधना नहीं है मंत्र भी बहुत सिंपल है क्योंकि साबर मंत्र है कानिफ जी का एक तो ओम चैतन्य कानिफ नाथाए नमा ये तो हम सब जानते हैं लेकिन कानिफनाथ जी का एक गायत्री है कानिफ गायत्री और उसके साथ है एक साबर मंत्र तो इसकी विधि क्या होगी इसकी प्रक्रिया क्या होगी देखो ऐसे तो साबर मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं लेकिन इनको याद करना और इनको आ, बिल्कुल कंठस्थ करना इनका सही वाइब्रेशन में इनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी साबर मंत्र क्यों नहीं काम करता है दो वजह से काम नहीं करता एक तो वो सही बोलते नहीं हैं और दूसरा आ, वो उद्घोष करते हैं अपने साबर मंत्र का ये दोनों चीज़ नहीं करनी चाहिए कानिफ नाथ जी का कानीपा नाथ जी का जो साबर मंत्र है उसके पूर्व आप सात बार कानिफ गायत्री पढ़ेंगे रोज और उसके बाद तीन बार, तीन माला आप इनका पढ़ेंगे जो साबर मंत्र में देने वाला पहले मंत्र बता दे रहा हूं उसके बाद इनका विधान बताऊंगा जो साबर मंत्र है कानिफ नाथ जी का वो है ओम भूर्भ स्व सिद्ध कानिपा नाथ आवाहन स्थाप्यामी फिर सुनिए ओम भूर्व सिद्ध कनिफानाथ आवाहन स्थाप्यामी तीसरी बार सुनिए ओम भूर्व सिद्ध कनिफा नाथ आवाहन स्थाप्यामी जिनके पास बहुत समय ना हो या फिर जिनको साबर ना करना हो वो सिर्फ इस मंत्र का एक हजार आठ जाप करें इक्कीस दिनों तक शुरुआत में फिर एक माला करें सिर्फ इस मंत्र को करने से आप दुख दारिद्र्य और जो भी कष्ट है जीवन में वो समाप्त हो जाएगा ये गुरु साधना है इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती साबर मंत्र सुनिए ओम शिव सिद्ध कानीफा नाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर कर थापना थाप लो गुरु सिद्ध जालेंद्र नाथ जी के शिष्य कहा लो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानीपा नाथ जी के चरण कमल को आदेश 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 एक बार फिर से सुनिए होम शिव सिद्ध कानिफा नाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर कर थापना थाप लो गुरु सिद्ध ज्वालेंद्र नाथ जी के शिष्य कहा लो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानीपा नाथ जी के चरण कमल को आदेश 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 एक बार और सुनिए ओम शिव सिद्ध कानीपा नाथ जी पूर्व खंड बिहार क्षेत्र पहाड़पुर स्थान बैठकर थापना थाप लो गुरु सिद्ध जलिंदर नाथ जी के शिष्य कहा लो शिव कर्ण से उत्पन्न भया स्वयं पाव पंथ के योगी कहाया कपालिक पेवा के सिद्ध कानिपा नाथ जी के चरण कमल को आदेश 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 इसका अगर आप गायत्री कर रहे हैं कानिफ गायत्री कर रहे हैं तो सात बार आप गायत्री पढ़ेंगे कानिफ गायत्री उसके बाद तीन माला इस माला का जाप करेंगे ठीक है यह सुबह का दिनचर्या होगा रात में आपको 108 बार इनके साबर मंत्र से और सात बार गायत्री से आहुति करनी है लौंग की ठीक है लौंग के साथ आप गूगल मिला सकते हैं धूमन मिला सकते हैं एक वस्तु जो आप नहीं मिला सकते जो प्रोहिबिटेड है वो तिल है क्योंकि तिल महादेव को नहीं चढ़ता है और कालीफ जी महादेव के रूप हैं कालीफनाथ जी की एक बार जब आपने ये साधना 21 दिन की कर ली इसमें पूर्ण पूर्णाहुति इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर रात आपने इसकी पूर्णाहति एक सौ बार कर ली है उसके बाद आप एक माला रोज जाप करेंगे गायत्री की और एक माला आप जाप कर सकते हैं साबर मंत्र की ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का व्यवधान नहीं रहेगा कानिफनाथ जी के विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है मैं बहुत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को ये समझ लेना है कि हमारे गुरु हैं कानिफनाथ हम जिस गुरु परिवार से आते हैं उस गुरु परिवार में कािफनाथ जी को ही हम लोग गुरु मान के आगे की साधना करते हैं आप लोगों को क्या करना है एक तो इस मंत्र का जाप करिए इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए इस मंत्र की साधना करिए अभी जो गुरु मंत्र कर रहे हैं मेरे द्वारा दिया गया वो गुरु मंत्र तो आप लोग करिए लेकिन उसके साथ इस साधना को भी शुरू कर सकते हैं या फिर गुरु मंत्र के तुरंत खत्म होने के बाद इस साधना को शुरू करिए जो लोग जीवन में बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गया या फिर कुछ भी सही नहीं चल रहा जो जीवन का सिंक है वो गलत हो गया है तो वो कालीफुना जी की साधना आज से अविलंब शुरू करिए ये ऐसा गुरु मंत्र है जिसको हम लोगों ने तो कई बार कुछ मतलब ट्राई किया है और हर बार हम लोगों को सफलता मिली है आप लोग भी करिए बहुत लाभ होगा श्री गुरु जी की साधना करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले एक पूजा स्थान बनाइए जहाँ पर आप लोग ध्यान कर पाइए तो उसमें कानिफनाथ जी की एक मूर्ति छोटी सी या फिर एक तस्वीर रखिए उस तस्वीर के ऊपर भगवान दत्तात्रेय और नवनाथों की तस्वीर रखिए उसके ऊपर ओम और शून्य की तस्वीर लगाइए इन तस्वीरों के अलावा थोड़ा थोड़ा मतलब दत्तात्रेय भगवान के समकक्ष में एक तरफ भैरव जी की तस्वीर और एक तरफ माता छिन्मस्तिका की तस्वीर रखेगा ये क्यों रखा जाता है ये मैं आपको बताता हूं आ, आप जानते हैं कि कारीफनाथ जी की मड़ी पुणे में है और साधना क्षेत्र जो इनका महाराष्ट्र है लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इनका जन्म बिहार में हुआ था और इन्होंने सारी साधनाएं जो है वो ये बिहार के क्षेत्र में ही की थी जो इन्होंने सबसे बड़ी साधना दी हम मानव को वो था छिन्मस्ती का साधना वज्रवाराही साधना वज्रवाराही साधना श्री गुरुदेव ने झारखंड की राजधानी रांची से थोड़ी दूरी पे एक स्थान है रामगढ़ रामगढ़ में एक स्थान है रजरप्पा रजरप्पा का अर्थ होता है राजाओं का अश्मशान। इस राजाओं के अश्मशान में कािफनाथ जी ने साधना की थी और वहां पर एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है छिन्मस्तिका का उस छिन्मस्तिका को पृथ्वी पर लाने वाले गुरु कानिफनाथ जी थे इसीलिए जब गुरु कानिफनाथ की पूजा होती है तो उसमें माता छिन्मस्तिका क्रोध भैरव जी या भैरव जी की स्थापना उनके गुरुदेव की स्थापना शून्य और महाशून्य की स्थापना होती है ठीक है जो कालिफनाथ जी की साधना करेंगे वो मुझसे संपर्क में रहें मैं उनको एक एक करके वो सारी साधनाएं दूंगा जो कि कालिफनाथ जी के आशीर्वाद से आपका सफल होगा ठीक है ये कानिफनाथ जी का ये मंत्र एक साधना चक्र की शुरुआत होगी आपके जीवन में और आपके जीवन में आज तक जो जो गलत हुआ है वो सब शुरू होने का चक्र यही यहीं से शुरू होता है देखो आप कोई भी साधना कर रहे हो उसके साथ आप इस साधना को करो और इस साधना को पूरे विश्वास के साथ करो क्योंकि ये गुरु साधना है और गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता है ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप सभी कानिफनाथ जी की साधना करो कानिफ जी की स्थापना करो और कानिफ जी की पूजा करो इसके बाद आप लोगों को इस जीवन में कुछ नहीं देखना पड़ेगा आज के लिए इतना ही है जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन बंधन भैरव ये सब साधना उनको सीखनी है वो मेरे पेट बेसिक रूप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन एट एट फाइव एट फाइव जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र डॉट एक्स पर उन, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए फॉर ऐप पर जाइए को इंस्टॉल कीजिए रूट एप सी एम फोर टाइप कीजिए मेरा प्रोफाइल आएगा आप डायरेक्ट मिले कॉल भी कर सकते हैं आज के लिए नहीं आप सभी को आदेश आदेश खराश